फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नजीबाबाद। कैसा रहा सफर, कैसा बताएंगे? बहुत ज़बरदस्त रहा, मज़ा आ गया। एसी कोच था, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से आए, मज़े से आए, मज़े से आए। और ये हमारी ट्रेन जो है ये नीचे से जा रही है, आप देखिए। हम सब आपको बताना चाहते हैं कि इतना एंजॉय करा हमने, इतना एंजॉय करा है पता नहीं सकते। और सफ़र का असली मज़ा हम लोगों ने लिया है। हवाई ट्रेन इतनी ज़बरदस्त थी, इसकी स्पीड का हमें पता ही नहीं चला कब हम यहाँ आ गए, हमें पता ही नहीं चला कब आ गए। आराम से सोते हुए आए, सोते हुए आए और सोते हुए जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। रिजर्वेशन कंफर्म हो चुका है हमारा, अब जाने का भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए, ये नजीबाबाद के वो है स्टेशन, ये जब नजीबाबाद के स्टेशन है, ये देखते हैं। अब हम ढूंढ रहे हैं एग्जिट, एग्जिट की तरह अब हम ढूंढ रहे हैं एग्जिट। यहाँ से बाहर जाके हम सीधे जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे हम जो भी पूरा रोजे पे। ये आ चुके हैं हम बाहर। अरे उनके लिए कोई बड़ी बात है यार, हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान के, उस ज़माने में सब ये जंगल वो थे, अब जंगल ही होगा उस ज़माने में, क्या था ये कोई ऐसे बना हुआ होगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए इस वक्त जोगीपुरे में। ये जोगीपुरे का गेट है, पीछे करके बना भाई, मैं भी आया। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम, मैं जोगीपुर पहुंच चुका हूं। ये हम यहां पर मार्केट में आए हुए हैं, ये इरफान भाई हमारे कुछ सामान ले रहे हैं और मैं यहां पर हूं, हम लोग कुछ सामान देख रहे हैं। यहाँ पर जोगीपुर के दरगाह के सामने ही बिल्कुल ये मार्केट छोटा सा लगा होता है। और इरफान और क्या देखें ज़रा, आगे चले। ये बुक्स की किताब हैं जो मजलिस और नोहे वगैरह की, और यहाँ पर एक ही शॉप है। दरगाह मौला अली है ये, और कितनी खूबसूरत बनी हुई है ये दरगाह, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये मौला अली की दरगाह है, इसके सामने बीबी शहजादी जैनब सलाम अलैहा की दरगाह, उसके बराबर में जनाब सकीना सलाम अलैहा की दरगाह है।
ये जनाब शहज़ादी सकीन सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, आप लोग इसकी ज़ियारत करिए। और इसी के जस्ट सामने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, और इसी के इधर ये मौला अली अमीरुल मोमिनीन का रोज़ा है। ये बाहर का गेट है सामने वाला इससे, और ये रोज़े आपको मैंने दिखा दिए। इसके पीछे मौला गाज़ी अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, वो जो आपको दिख पा रहा होगा। चलिए इंशाल्लाह फिर अभी आगे चलते हैं और आगे दूसरे रोज़े की ज़ियारत करते हैं। हमारे पास अभी वक्त नहीं है कि इतने ज़्यादा हम वीडियोस और बना सकें और वो कर सकें। तो अब हम जा रहे हैं मौला अब्बास के रोज़े की तरफ, और अब हम जा रहे हैं मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये रोज़ा मौला अब्बास का है। फ़ोन तेरे पास है? एक आपने एक वीडियो देखी होगी जो इस पे रोज़े से मौला गाज़ी अब्बास के रोज़े से पानी आ रहा था, वो यही रोज़ा है। मौला हमारी तमाम हजतों को कबूल फरमाए। इधर भी तू आ रहा, अब तो सही आ रहा है। सही आ रहा हूँ, अब तो सही है। शूज़ उतारने पड़ेंगे। तो ये है मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा, ये आप देख पा रहे होंगे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत बना हुआ है। ये वही रोज़ा है जिस पर आपने वीडियो देखी होगी कि रोज़े की जाली पर से पानी आ रहा था, तो जो कि एक ज़ाहिरन एक मौज़ा था। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ के इसके सामने आप देख सकते हैं जनाब फातिमा ज़हरा और मौला अली का और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का रोज़े हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस, वापसी का सफ़र तैयार है। तैयार है, हमारे टीम का टाइम हो चुका है, अभी भी हम लेट हैं थोड़े से। अब ये हमने बैग पहन लिया, हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये लॉक है, इसका लगने का मतलब है सामान सारा रख दिया है ना, एक बार देख लें। हाँ, अब हम दिखाएं, अब हम चल रहे हैं, यहाँ साथ में है हमारे। यहाँ से जो भी रामपुरी थी हमारी रवानगी है अलीगढ़ के लिए, टाइम हो रहा है, लेकिन हम नजीबाबाद जाएंगे। नजीबाबाद पर हमारी रिजर्वेशन है ट्रेन का, जो अलीगढ़ हमें एसी में फर्स्ट में एजाज ने बता दिया। सॉरी, मुझे भूल गया था एसी फर्स्ट में, मैं समझा जनरल में है, लेकिन हमारा एक फर्स्ट में ही है, आप मजाक मत समझिएगा। ये तो नेट पे जाएगी। और ऐसा है कि बस हम यहाँ से निकल चुके हैं, हमारी ट्रेन आने वाली होगी,
और हम आपको टीका ज़्यादा तौर करा के डायरेक्ट रेलवे स्टेशन ले जाते हैं। ये चलते हैं नजीबाबाद के, आइए चलिए। ये मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। अभी खा के निमटा है माला सलाम। काफ़ी है भाई, बहुत देर हो गई, दो मिनट की हो गई। खाए तो सही है, खाते भी बना लिया भाई, क्या सब खिला देगा। सेव कर दे, क्रीम वाले है इधर खत्म है इधर क्रीम वाली खाए भाई, शॉप पे ले जो खाए वो खिला दे। एक मिनट खिला दे, खिला दे। जिनका नाम रखा हुआ बचपन से वो आज भी क्वार्टर में से भी आवाज देती है तो वहीं पहुंचता। अच्छा जी, है बहुत अच्छा, सीधा फन हाथ रटा के खाता रहा। मोबाइल दी फोटो के देख में सर। तो फाइनली हम आ गए हैं स्टेशन पे, यहाँ से हमारी ट्रेन है अभी 4 बजे के आसपास। 4 बजे के बाद एसी कोच में, बिल्कुल इस वक्त तो हमें कोई परेशानी हो रही है लेकिन एसी की कोच में बैठने वाले कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से आराम से टेंशन शुद्ध भी जाएंगे आराम से, और बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि अलीगढ़ पहुँचते ही हमारी गाड़ी तक खड़ी हुई है पार्किंग में, गाड़ी निकालनी है पार्किंग से फौरन घर पहुँचेंगे। हाँ, और इंशाल्लाह हमारा ट्रिप एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट हुआ भाई, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमें स्टेप बाई स्टेप चलना है। हमने सब चीज़ प्लान कर रखी है, हम वीडियो के आखिर में बताएंगे किसी रोड ट्रिप हमें प्लान करने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है, क्या जानना चाहिए। हाँ, हम आपको गाइडलाइंस देंगे, हमारे सबटाइटल जरूर देखिएगा। और अभी हम नेक्स्ट ट्रिप की और तैयारी कर रहे हैं।